नमस्कार, 23 की महाभारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। एमपी बीजेपी की अहम बैठक हुई। बीजेपी ने बैठक में फैसला लिया है, बैठक में सभी चुनाव जिला प्रभारी के नाम फाइनल कर दिए गए। प्रदेश चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव, चुनाव प्रबंधन समिति संयोजक नरेंद्र सिंह तोमर, प्रदेश अध्यक्ष विनय शर्मा और राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बीच बैठक हुई। बीजेपी जल्द ही पार्टी की अलग अलग समिति का ऐलान भी करेगी। तो फुल एक्शन मूड में, फुल चुनावी मूड में बीजेपी आ चुकी है। महत्वपूर्ण बैठक हुई थी, बैठक में फैसला लिया गया, सभी चुनाव जिला प्रभारियों के नाम फाइनल हो चुके हैं। प्रदेश चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव, चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक नरेंद्र सिंह तोमर, प्रदेश अध्यक्ष विनय शर्मा, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बीच एक बड़ी अहम बैठक बीजेपी की हुई। चलिए, अधिक जानकारी के लिए हम भोपाल का रुख कर लेंगे। सहयोगी शैलेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। शैलेंद्र, 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए सभी दल अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन अगर बीजेपी की बात की जाए तो तैयारियों में बीजेपी कांग्रेस से कहीं आगे नजर आती है। जी सुमित, देखिए पिछले दो दिनों से भाजपा की टॉप लीडरशिप लगातार मध्यप्रदेश मिशन 2023 के लिए मंथन कर रही है। यहाँ पर कल भी दिन भर प्रमुख नेता बैठे थे, आज भी केंद्रीय चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव हो, अश्विनी वैष्णव हो, नरेंद्र सिंह तोमर हो, कैलाश विजयवर्गीय हो, वीडी शर्मा हो, ये सभी प्रमुख नेता आज भी दिन भर बैठे, अलग अलग बैठ के दिन भर से चल रही है। और ये लगातार अलग अलग समितियां जिन्हें चुनाव में काम कराया जाना उसको लेकर मंथन चल रहा, रणनीति बनाई जा रही कि किस तरह चुनाव मैदान में सभी को काम करना है। तो आज हमने देखा कि यहाँ पर लगातार जो समितियां बनाई जाना है, जो कि अलग अलग यहाँ पर विजय संकल्प यात्रा निकलेगी उसको लेकर समिति बनाई जाना है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में जितने भी जिले हैं, यहाँ प्रदेश में भाजपा के 57 संगठनात्मक जिले हैं, इन जिलों की कमेटियों को लेकर आज चर्चा हुई है कि प्रत्येक जिले में एक एक जिला प्रभारी होगा जो कि चुनाव का मैनेजमेंट संभालेगा। तो इन नामों को भाजपा के प्रमुख नेताओं ने आज फाइनल कर दिया है। यह सूची, सबसे पहले आपको न्यूज 18 बता रहा है कि सूची बनकर अपडेट हो चुकी है, इनके नाम जल्द ही घोषित कर दिए जाएंगे। और जिलों में फिर यही जो समिति के प्रभारी, ये जिलों में ग्राउंड लेवल तक, बूथ लेवल तक काम करेंगे, वर्किंग करेंगे। तो ये पूरी रणनीति आज बनी है, ऐसी कम से कम 10 समितियां बनाई जाना है। तो इस कमेटियों को लेकर पिछले दो दिन में सारे टॉप लीडरशिप करीब 10 घंटे से ज़्यादा बैठी है, अलग अलग चर्चा हुई है। अब आज उस सारी सूचियों के मंथन के बाद जो प्रदेश के चुनाव प्रभारी केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, वे दिल्ली के लिए रवाना भी हो चुके हैं और कल अश्विनी वैष्णव भी दिल्ली चले जाएंगे। तो अब जो कुछ प्रमुख समितियां हैं वो दो तीन दिन में सामने आएगी, लेकिन सबसे पहले जिले के जो चुनाव के प्रभारी हैं वो घोषित किए जाएंगे। तो इन प्रभारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। बिल्कुल शैलेंद्र, हम सब जानते हैं चुनाव में प्रभारियों को, या हम कहें कार्यकर्ताओं को, नेताओं को जितने जल्दी जिम्मेदारियां मिल जाती हैं काम उतना ही अच्छा होता है, वो भी अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए उस काम में लग जाते हैं। बीजेपी इसे बखूबी जानती है, इसलिए जल्द से जल्द चुनाव को लेकर बीजेपी फैसले लेना चाहती है। जी सुमित, देखिए भाजपा का एक काम करने की रणनीति है, कैडर बेस्ड पार्टी, तो वो हमेशा ग्राउंड लेवल तक बहुत मजबूती से काम करती है। तो भाजपा इसी रणनीति के तहत जो टॉप लीडरशिप के पहले प्रमुख प्रभारी बनाए, अब उसके बाद आप देखेंगे कुछ ही दिन में जो बड़े नेता हैं जो प्रदेश में सक्रिय हैं, जैसे कि हम उमा भारती हों, इसके अलावा ऐसे नेता जो कि अभी कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ हासिए पर, इन सब नेताओं को भी बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। और ये नेता फिर ग्राउंड लेवल तक, मतलब भाजपा ना केवल जिला बल्कि मंडल, मंडल के बाद बूथ, इतना नीचे ग्राउंड लेवल तक अब काम करती है। और बाकायदा एक एक कार्यकर्ता, जितने ज़्यादा पदाधिकारी उनको जिम्मेदारी देती है, उनको उनकी दायित्व तय करती है कि आपको इस बूथ लेवल तक जाकर काम करना है। तो ये पूरा का पूरा एक सिस्टम बना हुआ है भाजपा में, और उसी के हिसाब से पूरा मिशन 2023 के लिए भाजपा काम करेगी। तो ये मान भी सकते हैं हम कि कांग्रेस की तुलना में अभी भाजपा कई कदम चुनावी रणनीति बनाने में आगे दिख रही है अभी। ठीक है शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं,
एमपी कांग्रेस आदिवासी स्वाभिमान यात्रा निकालेगी। 20 दिन की ये यात्रा होगी। आदिवासी जिलों से होकर गुजरेगी ये यात्रा। यात्रा के दौरान आदिवासियों से जुड़े मुद्दे जानकारी जुटाएगी कांग्रेस। आदिवासी घोषणा पत्र में विषयों को शामिल किया जाएगा। 7 अगस्त को झाबुआ में ये यात्रा खत्म होगी कांग्रेस की। 19 जुलाई से इसकी शुरुआत है सीधी से और इसका समापन होगा 7 अगस्त को आदिवासी दिवस के विश्व आदिवासी दिवस के पहले झाबुआ में। इस यात्रा में 36 विधानसभाओं से होकर हम गुजरेंगे और 17 जिलों से हम पहुंचेंगे और जो हम आदिवासियों का एक ट्राइबल मैनिफेस्टो हम तैयार कर रहे हैं कमलनाथ जी के नेतृत्व में, इससे जो भी हमें सुझाव मिलते हैं उनको शामिल करते हुए एक पूरे प्रदेश का ट्राइबल मैनिफेस्टो भी तैयार करा जाएगा। भोपाल से ही बड़ी खबर, चुनाव प्रचार की सामग्री पर पड़ी है महंगाई की मार। चुनावी झंडे छाते 160 से 700 रुपये में मिल रहे हैं। पिछले चुनाव की तुलना में काफी महंगी हुई है प्रचार की सामग्री। ट्रांसपोर्टेशन और कच्ची सामग्री महंगी होने के चलते रेट बढ़ गए। कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साध दिया। इसको लेकर महंगाई कंट्रोल में है बीजेपी, हालांकि कह रही मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक है। चुनाव का जोर अब रंग पकड़ने लगा है। राजनीतिक पार्टियों ने अपना चुनावी शंखनाद कर दिया है। इसके साथ ही चुनाव प्रचार की सामग्रियों से सजी दुकानें भी अब सज धज कर तैयार है। अब भोपाल हो या अलग अलग शहरों में चुनाव प्रचार सामग्री बिकने लगी है। नेताओं की डिमांड आने लगी है। कोई नेता अपने चुनाव के लिए कोई छाते तैयार करवा रहा है तो कोई शिवराज की टी शर्ट या कमलनाथ की टी शर्ट को पसंद कर रहा है। किसी को झंडे बैनर पोस्टर चाहिए। अलग अलग तरह की चुनाव सामग्रियां दुकानों में अब सजने लगी हैं। इनकी डिमांड भी बढ़ती जा रही है। अब हम आज भोपाल में ही एक बड़े होलसेल व्यापारी जो कि चुनाव प्रचार सामग्री का ही काम करते हैं अजय अग्रवाल, आज हम उनकी शॉप पर हैं। हम उनसे ही जानते हैं कि किस तरह का चुनाव प्रचार सामग्री की अब डिमांड है और किस किस तरह की सामग्री नेता चाह रहे हैं। सीलाइड मेकर्स मेरी फर्म है और पिछले 35 सालों से मैं यहाँ राजनीतिक पार्टियों की प्रचार प्रसार सामग्री का काम कर रहा हूँ। अभी हमें जो ये छाता दिखाई दे रहा है ये कितने का छाता है? ये 160 रुपए का छाता है, 24 इंची बोलते हैं इसे बड़ा छाता। थोड़ा पिछली चुनाव की तुलना में बताया जा रहा है कि इस बार जो चुनाव प्रचार सामग्री है वो 10-15% महंगी हो चुकी, तो क्या वजह है? महंगाई तो एक तो ट्रांसपोर्टेशन तो है ही है आपका और बस मटेरियल के रेट चूंकि अपडेट हुए हैं तो क्लॉथ का रेट बढ़ा है, इस तरीके से थोड़े थोड़ा सा रेट फर्क आया है। जबकि छातों की जो कीमत है वो 700 रुपए तक भी है, तो इन्होंने माना है कि महंगाई का असर तो कुछ पड़ा है, ट्रांसपोर्टेशन महंगा होने से थोड़ा बहुत सामग्री में पिछले चुनाव की तुलना में अंतर है, तो महंगाई का असर अब कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार सामग्री पर भी देखने को मिल रहा है। कैमरामैन खिलान के साथ शैलेंद्र चौहान, न्यूज 18 भोपाल। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महंगाई की मार केवल जो है सब्जियों, भोजन, अनाज इस पर ही थोड़ी है। अब तो ऐसी आग लगी है कि झंडे डंडे पार्टी के वो भी महंगे हो गए। लोग जो है किस तरीके से जनता तक पहुंचेंगे समझ नहीं आ रहा। टमाटर कल 160 रुपए बिका है, आग लगी हुई है और सरकार टमाटर के दाम घटाने की बजाय क्या कह रही कि अब हम खुद खरीद के टमाटर बांटेंगे। देखिए 5 वर्ष पूर्व चुनाव था, उस समय की कीमतों में और आज की कीमतों में निश्चित तौर पर वृद्धि तो मिलेगी, पर भयाता सा वृद्धि नहीं है किसी भी चीज में। हमने महंगाई को नियंत्रण कर रखा है, निश्चित तौर पर बढ़ी हुई कीमतें चुनाव प्रचार सामग्री पे भी बढ़ी है, परंतु चुनाव आयोग ने भी चुनाव में खर्च करने की जो राशि है उसमें भी आंशिक वृद्धि करने का काम किया है,
तो चुनाव चुनाव के हिसाब से लड़ा जाएगा। निश्चित तौर पर प्रचार सामग्री की भी आवश्यकता होगी, दौरे भी होंगे, सभाएं भी होगी, होर्डिंग्स भी लगेंगे, झंडे भी बंधेंगे, बिल्ले भी लगेंगे, टोपी भी लगेगी, गमछा भी पहनेंगे और चुनाव का वातावरण है, चुनाव चुनाव की तरह लड़ा जाएगा। एमपी कांग्रेस के प्रभारी जेपी अग्रवाल ने बयान दिया है, प्रियंका गांधी 21 को ग्वालियर में बड़ी रैली को संबोधित करेंगी। बीजेपी के कई लीडर कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, हमारा कोई भी कार्यकर्ता बीजेपी में नहीं गया, ऐसा उन्होंने कहा। बीजेपी की ओर से कई तरह के लालच दिए गए थे। आने वाले दिनों में एमपी में राहुल प्रियंका की करीब 15 से ज्यादा रैलियां होंगी। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के प्रभारी जेपी अग्रवाल जी से बात करते हैं। सर, प्रियंका गांधी का पिछली बार जबलपुर में दौरा हुआ था, मध्य प्रदेश की अगर बात करें चुनावी राज्य है, वहाँ और उनके क्या कार्यक्रम फिलहाल? देखिए, ये जो हमारी रैली है ये पहली जबलपुर में हुई, दूसरी अब ग्वालियर में हो रही है, इसके बाद और जगह भी होंगी। अब हम चुनाव की तरफ जा रहे हैं और लोगों में बड़ी मांग थी, बड़ा उत्साह है कि प्रियंका जी को बुलाओ, प्रियंका जी को बुलाओ, तो उसी कड़ी में ये 21 तारीख की रैली रखी गई। कई लोग भी हैं जो कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, कई बीजेपी लीडर्स हैं जिन्होंने पिछले दिनों में कांग्रेस का दामन थामा था। सर, इसका एक बड़ा अच्छा उदाहरण है कि इन्होंने पिछले 5 साल में हमारे वर्करों को बहुत तंग किया, 302, 307, उनके परिवार पे मुकदमे, जेलों में ठूस दिया, उनके मकानों पे कब्जे करे, खेतों पे कब्जे करे, लेकिन हमारा एक भी साथी छोड़ के नहीं गया। और इसके दूसरी तरफ बीजेपी के कितने ही नेता अब तक शामिल हो चुके हैं और बहुत सारे लाइन में हैं जो शामिल होना चाहते हैं, उनमें कई विधायक भी हैं। सर, लेकिन ग्वालियर ही आप लोगों ने क्यों चुना जो रैली आप लोग कर रहे हैं प्रियंका गांधी? क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया को घेरने की कवायद है, घेरने की कोशिश है, इस चलते उनके गढ़ में आप लोग जा रहे हैं? नहीं नहीं, ये तो अब पूरा मध्य प्रदेश है, वहाँ कम से कम 10-15-20 रैली प्रियंका जी की भी होंगी, राहुल जी की भी होंगी, खड़गे साहब हैं, मैडम सोनिया गांधी जी की भी होंगी, तो ये कोई कारण नहीं है। वो एक क्षेत्र है जो मध्य प्रदेश में, इसलिए वहां जा रहे हैं। न्यूज से बात करते हैं, शुक्रिया। बड़ी जन सोनू मंडल के साथ रवि सिसोदिया, न्यूज 18 दिल्ली। तो कांग्रेस के प्रभारी जेपी अग्रवाल के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया, प्रियंका गांधी के साथ राहुल गांधी भी मध्य प्रदेश में आ जाएं, मैदान में मुकाबला हो ही जाए, ये कहना है रजनीश अग्रवाल का। प्रियंका की मौजूदगी में बीजेपी नेताओं के ज्वाइन करने पर बोले हैं, कांग्रेस डींगे हांकना बंद करें, सब हकीकत सामने आ जाएगी। जरा सोते हुए सपने देखने की बजाय जरा जागें, उठें और जरा लोगों के बात करें, पता चल जाएगा कौन कहाँ है, कैसा है। ऐसे डींगे मारने का काम 2020 के मार्च में भी हमने बहुत सुने हैं, देखे हैं, पढ़े हैं, लेकिन हसर क्या हुआ, नीचे की जमीन खिसक गई। आपको अग्रवाल साहब, यकीन करने का काम जनता के बीच में जाके करना चाहिए, पता चल जाएगा। मध्य प्रदेश में साल 2023 का चुनाव बीजेपी कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण कहा जा रहा है। कांग्रेस जहां सत्ता में वापसी को लेकर जोर लगा रही है, तो वहीं बीजेपी एक बार फिर से सत्ता बरकरार रखने को लेकर हर वर्ग के बीच अपनी पैठ बना रही है। सत्ता की सीढ़ी तक पहुंचने के लिए पहली सीढ़ी यानी आदिवासी वोट बैंक पर बीजेपी कांग्रेस दोनों की नजरें। मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस चुनावी तैयारियों में जुटी हैं। दोनों ही पार्टियों की नजर आदिवासी वोटर्स पर है और यही वजह है कि दोनों पार्टी आदिवासी वोटर्स को लुभाने के लिए अलग अलग दांव चल रहे हैं। एक तरफ बीजेपी योजनाओं के जरिए आदिवासी वर्ग का कल्याण करने और आदिवासियों को आर्थिक तौर पर मजबूत करने को लेकर पैसा एक्ट लेकर आई ताकि आदिवासियों के बीच पकड़ मजबूत की जा सके, तो वहीं कांग्रेस साफ कहती है कि आदिवासियों के लिए शिवराज सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। बीजेपी आदिवासियों को सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करती है। शिवराज सरकार की भाजपा की कथनी करनी में अंतर है, वो आदिवासी भाई बहनों को सिर्फ वोट बैंक की तरह उपयोग करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी मानती है कि अभी भी बहुत कुछ काम है जो आदिवासी वर्ग के लिए होना चाहिए और 18 साल से इनकी सरकार है, इन्होंने कुछ नहीं किया। अब कांग्रेस की इस बात पर बीजेपी ने पलटवार किया और कहा कि आदिवासी हो या फिर कोई भी, हर समाज और वर्ग के लोगों पर भारतीय जनता पार्टी की नजर रहती है, बस नजर नजर का फर्क होता है। भाजपा आदिवासी वर्ग के कल्याण के लिए काम करती है, 15 सालों में सभी वर्गों के कल्याण के लिए काम किया है,
अब आदिवासी वर्ग की जनता उत्थान और कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। को आदिवासी हो या कोई भी समाज हो, नज़र सबकी रहती है, पर नज़र नज़र का फ़र्क होता है। वे वोट के लिए नज़र डालते हैं जो कांग्रेस के लोग हैं, और हम कल्याण के लिए डालते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, पिछड़ा हो, गरीब हो, सवर्ण हो, कोई भी हो, सबके कल्याण के लिए कुछ न कुछ जरूर किया है इन 8-9-10 सालों में 15 सालों में। और इसलिए हमारी नज़र इसलिए है कि कोई संसाधन, सेवा और सम्मान से वंचित नहीं रह जाए, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की नज़र है। और जनजाति समाज को भी ये बात समझ में आई है। पिछले राष्ट्रपति के चुनाव में आपने ध्यान दिया होगा कि राष्ट्रपति जी के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को 19 कांग्रेस के विधायकों ने 19 खुले में वोट दिया, और ये मत जाहिर किया कि भारतीय जनता पार्टी ही हमारे समाज का कल्याण कर सकती है। मध्य प्रदेश के सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने के लिए आदिवासी वोटर्स का अहम योगदान होता है। पिछले आंकड़ों की बात करें तो जब जब जिस पार्टी को आदिवासियों ने वोट किया वो पार्टी सत्ता में पहुंची। मध्य प्रदेश में 230 सदस्यों वाली विधानसभा में आदिवासी वर्ग के लिए 147 सीटें आरक्षित हैं। 35 अन्य सीटों पर आदिवासी समुदाय निर्णायक भूमिका में है। 2018 में भाजपा की सीटें 32 से घटकर 16 रह गई थी और बीजेपी के हाथ से सत्ता निकल गई थी। तो वहीं कांग्रेस ने 2018 में चुनाव में 30 आदिवासी क्षेत्र की सीटों पर कब्जा किया था और सत्ता तक पहुंची थी। मतलब साफ है कि जो आदिवासी क्षेत्रों पर पकड़ बनाए रखेगा एमपी के सिंहासन पर विराजमान होगा। न्यूज 18 के लिए भोपाल से रंजना दुबे की रिपोर्ट। भोपाल से खबर है, सड़क बनाने की मांग को लेकर अनोखा प्रदर्शन किया है आक्रोशित रहवासियों ने। कीचड़ में बैठकर प्रदर्शन किया है। 6 साल से सड़क निर्माण नहीं होने से रहवासी परेशान हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधियों को रोड नहीं तो वोट नहीं की चेतावनी दी गई। तो 6 साल से सड़क निर्माण नहीं होने से लोग नाराज हैं, लेकिन अब लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोग सड़कों पर आ गए, सड़क पर आ गए, कीचड़ में बैठकर प्रदर्शन किया है रहवासियों ने। बच्चों को भी इसमें शामिल किया गया, बच्चों को भी अपने साथ प्रदर्शन में बैठाया रहवासियों ने। छह साल से सड़क निर्माण नहीं होने से आक्रोशित रहवासी, काफी दिक्कत होती है उनको आने जाने में। और उनका कहना है, रहवासियों का कहना है कि रोड नहीं तो वोट नहीं, अगर रोड नहीं बनेगी तो वोट भी नहीं मिलेगा। हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी की है, प्रदर्शन किया है, कीचड़ में ही बैठ गए रहवासी। वहां पर महिलाएं हों, पुरुष हों, बच्चे हों, सभी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। 6 साल से रोड की मांग है, लेकिन अभी तक मांग पूरी नहीं हो पाई। मजबूरन लोगों को अब ये कदम उठाना पड़ा, ऐसा कदम उठाना पड़ा कि कीचड़ में ही बैठकर प्रदर्शन किया है रहवासियों ने। सीधे बड़वानी का रुख करेंगे, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान रोड शो कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी अभिनंदन कर रहे हैं आपका। सबकी बहने बहुत बढ़िया, लाडली बहने हमारी उपस्थित है। चलिए पान से मल खोते उपस्थित है। आंधी नहीं तूफान है, आंधी नहीं तूफान है। हमारे खेतिया के अध्यक्ष उपाध्यक्ष सब लोग हैं, अभिनंदन आपका। इधर हमारे भांजा खड़े, एक बार हाथ हिलाकर अभिनंदन करें मुख्यमंत्री जी का। सब खड़े स्वागत कर रहे हैं। बड़वानी में सीएम शिवराज का रोड शो पर माननीय मुख्यमंत्री जी, विकास पर्व के मौके पर सीएम शिवराज का बहनों भांजियों से मिलने के लिए मुख्यमंत्री जी आपके बीच उपस्थित हैं।
आप सब के बीच में अपने आप को विकास पर्व के मौके पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, लोगों तक बीजेपी सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारियां दे रहे हैं, केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारियां दे रहे हैं और बीजेपी शासन के दौरान जो जो विकास कार्य हुए हैं उनकी जानकारियां दी जाएंगी। बीजेपी इसे विकास पर्व के रूप में मना रही है और बड़वानी में इसी को लेकर सीएम शिवराज का एक रोड शो भी हो रहा है जो आप देख रहे हैं। इस समय बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद हैं, इस रोड शो में शामिल हुए हैं। स्थानीय नेता भी सीएम शिवराज के साथ आपको नजर आ रहे होंगे। इससे पहले विकास कार्यों की सौगात सीएम शिवराज ने दी, सिंचाई परियोजनाओं की 1173 करोड़ की नागलवाड़ी परियोजना का भूमि पूजन किया था जिससे किसानों को कहीं ना कहीं बहुत राहत मिलेगी, बहुत लाभ मिलेगा। बड़वानी और पाटी तहसील के 23 गांव से सिंचित हैं और उस कार्यक्रम के बाद अब एक मेगा रोड शो, भीलड़ देव कॉरिडोर बनाने का ऐलान भी किया था महाकाल लोक की तर्ज पर सीएम शिवराज ने। सिंचाई परियोजना को भूमि पूजन किया और सिंचाई परियोजनाओं से कई किसानों को इसका लाभ मिलेगा, खेती किसानी। लाडली बहनों से भी संवाद किया सीएम शिवराज ने इस कार्यक्रम के दौरान और कार्यक्रम के बाद अब एक मेगा रोड शो सीएम शिवराज सिंह चौहान का इस समय आप देख रहे हैं तो स्क्रीन पर। तो विकास पर्व के मौके पर सीएम शिवराज बड़वानी में रोड शो करते हुए विकास पर्व के दौरान बीजेपी के नेता कार्यकर्ता बीजेपी सरकार में हुए विकास कार्यों की जानकारी जन जन तक पहुंचाएंगे, जनता तक पहुंचाएंगे। राज्य सरकार की उपलब्धियां, केंद्र सरकार की उपलब्धियों का बखान होगा। तो बड़वानी में पहले एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें सीएम शिवराज ने कई सौगातें दी हैं, सिंचाई परियोजनाओं का भूमि पूजन किया, महाकाल लोक के तौर पर भीलड़ देव कॉरिडोर बनाने का ऐलान भी किया और अब एक मेगा रोड शो बड़वानी में आप देख रहे हैं सीएम शिवराज का। बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं, महिलाएं भी इसमें शामिल हैं और अभिवादन करती हुई महिलाएं, लाडली बहनें सीएम शिवराज का अभिवादन करती हुई विकास पर्व के दौरान बड़वानी में सीएम शिवराज का रोड शो हो रहा है। विकास पर्व के दौरान जो बीजेपी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो बीजेपी शासनकाल में हुए विकास कार्यों को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। राज्य सरकार, केंद्र सरकार की उपलब्धियां जनता को बताएंगे और इसी का आगाज हुआ बड़वानी में।
एक रोड शो की शुरुआत यहाँ पर है। तस्वीरें बड़वानी से हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान रोड शो विकास पर्व का मौका है। लगातार बीजेपी जनता को साधती हुई विकास पर्व, जिसकी शुरुआत इसी मकसद से हुई कि जमीनी स्तर पर खुद मुख्यमंत्री पहुंचे और उसके बाद चुनाव प्रचार का अनऑफिशियली अगर आप कहें तो आगाज बड़वानी में सीएम शिवराज सिंह चौहान का ये रोड शो। लगातार मध्यप्रदेश सरकार की तरफ से सौगातों का सिलसिला भी जारी है और इस बीच विकास पर्व की शुरुआत आज से। इतनी भव्य शुरुआत हुई आपने सुबह भी देखा, लेकिन अब आप देखिए कि सिलसिला अब हर जिले की ओर आगे बढ़ेगा। फिलहाल बड़वानी से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता बीजेपी का झंडा लिए आगे आगे चलते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ये काफिला, जिसमें कहीं ना कहीं भरोसा देते हुए भी मुख्यमंत्री नजर आते हैं कि आने वाले समय में भी इसी तरह से साथ की गुजारिश बीजेपी को भी है और आने वाले समय में मध्यप्रदेश सरकार उतनी ही दुगनी ताकत से काम करने की कोशिश जनता के लिए करेगी। ये सीधा संदेश बीजेपी की तरफ से और खुद चूंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस रोड शो का हिस्सा है तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में यहां पर लोग पहुंचे होंगे। भोपाल में जो बैठकें चलती हैं, लंबी लंबी बैठकें जिसमें जिम्मेदारियां तय होती हैं, उन बैठकों का जमीनी स्वरूप है। बड़वानी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का रोड शो विकास पर्व के मौके पर मुख्यमंत्री की तरफ से आज बड़ा आगाज। लाइव तस्वीर जिनके जरिए आप ये भी देखेंगे कि आसपास के गांव के लोग भी इतने उत्साहित मुख्यमंत्री के आगमन से, कार्यकर्ता जितने भी जमीनी स्तर पर हैं उनमें भी जोश भरने की कोशिश एक बार फिर से तेज होती हुई, क्योंकि विधानसभा चुनाव ज्यादा समय नहीं रह गया है, 2.5 से 3 महीने का समय और उसके बाद पार्टी कार्यकर्ताओं को भी एकजुट होकर काम करना। पार्टी को जीत दिलाने के लिए किस स्तर पर ये कवायद की जा रही है ये भी आप देखिए। इससे पहले जो लोकार्पण कार्यक्रम की तस्वीरें न्यूज 18 आप तक लगातार पहुंचा रहा था उसमें भी कुछ इस तरह का दृश्य।